नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। इस समय जयगांव के एनएस रोड क्षेत्र से, जहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा इस समय कार्रवाई की जा रही है। आप सभी के समक्ष हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इस समय फुटपाथ पे कार्रवाई की जा रही है। लोग लगातार इस तरह से फुटपाथ पे इस तरह से दुकानें लगाकर इस तरह से समस्याएं बढ़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार बोल रही है, कह रही है, समझा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग ना समझ जैसे फिर से फुटपाथ पे आगे चले आ रहे हैं। और इसके खिलाफ एक बार फिर पुलिस प्रशासन द्वारा, जगह थाना आईसी पालजर भुटिया द्वारा इस समय कार्रवाई किया जा रहा है। और जो लोग इस तरह से मनमानी तरीके से फुटपाथ पे दुकानें लगाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आप सभी के समक्ष हम लोग ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए जब जब मौका मिलता है जयगांव थाना इसी पालजर भुटिया इसी तरह से जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते रहते हैं और जो भी समस्याएं हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं। इस समय एकदम तेज रफ्तार से इस समय इस क्षेत्र का दौरा चलता हुआ, अगर कोई भी इस तरह से पाया जाता है सड़कों पे दुकान लगाते हुए, अवैध कब्जा करते हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, दुकानें जो है अपने दुकान के अंदर लगाएं, फुटपाथ पे ना लगाएं, अवैध कब्जा फुटपाथ का अतिक्रमण ना करें। बावजूद इसके भी लोग अपना मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय भागम भाग इस समय इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं भागम भाग इस समय लोग अपने अपने सामान लेके फुटपाथ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। डेली सारा रेंट करके लेके जाएगा, नहीं मतलब नहीं। मंगलवार में लगा सर, हम लोग भी तो ये सब चीजें खाते हैं ना, ये सब चीजें खाते हैं। यहाँ नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं लगाएगा तो दुकान कर, पैसा नहीं है ना होता सर, जा रुक कर जा, नहीं लगाएगा मतलब नहीं लगाएगा, आप तो और नहीं लगाएगा, तू समझा, जिससे लगाएगा तू नहीं लगाएगा, ओए तू नहीं लगाएगा, समझा सर, फैमिली उसी से सलाह है, समझा, तेरा फैमिली सलाह, तेरा फैमिली काम देखने आए, क्या भाई, सॉरी क्या बोला, सॉरी सर क्या बोला, सॉरी बोला ना, क्या बोला तू, सॉरी सर बोला ना, पता है समझ में नहीं, नहीं लगाएगा मतलब नहीं लगाएगा, फैमिली पालना है दुकान करके। दर्शकों ये दृश्य दिखाना चाहेंगे, दुकानें होते हुए भी फुटपाथ पे दुकान लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से ही दुकान मौजूद है। आप ये दृश्य देखें, यहाँ पे दुकान तो यही तो सामान लेके आ रहा था, सामान काहे दे रहे तुम, हम लोग आप देख सकते हैं दुकानें होते हुए भी लोग फुटपाथ पे जाके, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इस व्यक्ति का दुकान यहाँ मौजूद है, ये बनकर मौजूद है, और उसके बावजूद भी फुटपाथ पे सामान ले जाके दुकानें लगाई जाती है। ये एक विशेष जगहों में इस तरह की काफी लोगों को इसी तरह से देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास दुकान लेने की या दुकानदारी करने की क्षमता नहीं है, लेकिन लोग इस तरह से फुटपाथ पे उतर आते हैं और जगह जगह अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा कर अपना व्यवसाय करते हैं। हालांकि आपको बता दें, अधिकांश जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं उनका किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में
दुकानें होती हैं उसे गोडाउन बना देते हैं और खुद सड़कों पे आके दुकानदारी करते हैं। ये स्थिति है जयगांव का और इससे जयगांव का जो बाजार है काफी काफी हद तक इससे प्रभावित भी होता है, क्योंकि लोग आशा लगाए रखते हैं कि बाजार है, लोग काफी पैसा खर्चा करके यहाँ पे दुकान लेकर दुकानदारी करते हैं और फुटपाथ पे अवैध कब्जा करके दुकानों के आगे फुटपाथ पे दुकान लग जाती है। और क्योंकि लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ बात है इसीलिए कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन प्रशासन वो नहीं देखने वाली। प्रशासन जो है अपना कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई करेगी। इस समय ये दृश्य दिखा रहे फैमिली ये करेगा, वो ये बात बोलेगा, दुकान पड़ा हुआ है, गोडाउन बनाएगा उसको। जयगांव की मुख्य समस्या आप ही जाएगा तो बाजार में आके बिक्री करेगा। ये दृश्य आप सभी के समय क्या बोल के ले गया सामान, उसे थाने से क्या बोल के ले गया सामान तुम, इस बार ले गया तो नहीं चलेगा, उधर में रखो जगह है तो अंदर। और किसी भी प्रकार का सड़क फुटपाथ या वाहनों की पार्किंग एरिया को अवैध अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन एकदम साफ शब्दों में यह साफ कर चुकी है और इस समय आप ये दृश्य देखें। लोगों को समझनी पड़ेगी कि भूटान गेट इस क्षेत्र पे अनुशासन प्रशासन द्वारा बनाए रखने की काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता होगा सड़कों किनारे इस तरह से फुटपाथ लगने से काफी सारी समस्याओं का यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है। खासकर आप समझ सकते हैं, वाहनों को पार्किंग सही ढंग से नहीं किया जा सकता है, लोग सही ढंग से फुटपाथ पे जाने आने में समस्या होती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीब हैं, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है, तो उसके लिए कोई और विकल्प भी तराशा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि फुटपाथ पे बैठ के ही आपकी रोजी रोटी चलेगी। अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी भी लोगों को लेना पड़ेगा। और प्रशासन जो है अपना का कार्रवाई अपना कर्तव्य करती रहेगी। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं जयगांव मेरस पे। एक बार फिर जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया इस समय जयगांव बाजार क्षेत्र में भ्रमण पे निकले हैं और दो दिनों के लिए सर कुछ ऑफिशियल कार्य से लेकर भ्रमण पे नहीं निकलने पर लोगों ने उसे एक मौके के तौर पर ले लिया। आप ये दृश्य देखें, मौके के तौर पर ले लिया और फिर से कुछ लोग जो है दुकानें फुटपाथ पे लगाना शुरू कर दिए थे। हालांकि प्रशासन द्वारा ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा जो है किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखें कितना साफ सुथरा इस समय जयगांव लग रहा है, फुटपाथ खुला है, वाहनों की पार्किंग एरिया में कोई समस्या नहीं है, लोगों को भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे और कहने वालों को कोई रोक भी नहीं सकता। ये स्थिति इस समय जयगांव शहर के आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम लोग ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। आपको बता दें, जब भी सर को मौका मिलता है तो जयगांव शहर में भ्रमण में जरूर निकलते हैं और अपना कार्य करते हुए भी अपना ड्यूटी भी निभाते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव इस प्रसारण को
विराम देना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे